मेरा नाम विक्रम गुलेरिया जी, मैं नगरी से बिलोंग करता हूँ। सर हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे यहाँ भी एक प्लेग्राउंड बन रहा है और हमारे काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं जो कि हम बाहर बाहर खेलने जाते थे। अब हमें मौका मिलेगा, हम अपने यहाँ खेलेंगे और अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। और इस अवसर पर मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स करना चाहता हूँ अपने चेयरमैन साहब का और जो आदरणीय जो प्रधान जी हमारे यहाँ हैं MLA साहब राजीव जसरोटिया जी का। जी हम पूरी टीम शुक्रगुजार हैं उनका कि वो उन्होंने हमें प्लेइंग ग्राउंड दिया। और सबसे ज़्यादा थैंक्स करना चाहता अपने वार्ड मेंबर विजय कुमार जी। जी और जो नौजवान युवा हैं आसपास के, उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे कि हम सभी नशे से दूर रहें और खेल में प्रतिभा दिखाएँ। जैसे जैसे हम खेलेंगे, जैसे जैसे हमारे में जो प्रतिभा है वो सामने आएगी। कोई स्पोर्ट्स में है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई एथलीट है, ठीक है, कोई कुश्ती खेलता है, कोई सभी जहां प्रतिभा दिखाई जाएगी। 97 लाख रुपीस जहां पे मिले थे प्लेग्राउंड बनाने के लिए, जिसमें हमारे बड़े भाई और पूर्व मंत्री श्री राजीव जसरोटिया का विशेष योगदान रहा। और मैं आज यहां इसका नींव पत्थर रखने के लिए आया, उसके लिए भी अपने तमाम लोगों की तरफ से इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यहाँ तक आपने बात की कि यूथ्स को कितना फायदा होगा, मैं समझता हूँ कि ये हमारी पूरी तहसील में ये पहला प्लेग्राउंड होगा बनने जा रहा है। और यहाँ की आबादी आज तो जो समय है ये तो 15-20 हजार के करीब हो गई है इस कस्बे की आबादी, और एक भी प्लेग्राउंड नहीं था। ऊपर से आप सब जानते हैं कि इस समय जो नशे का बहुत बड़ा थ्रेट है, बच्चों को अपना जो उनके अंदर इनहिडन टैलेंट है उसको कभी ड्राउट करने का मौका नहीं मिलता था। तो ये उन सारी बातों का अगर मद्देनजर रखा जाए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत पुरानी मांग थी हमारे नगरी के लोगों की। ना सिर्फ नगरी को फायदा होगा, आप देखेंगे जहां से आधा किलोमीटर सैदपुर हमारा गांव है, आसपास एरमा है, पंडोरी है, परमोरी है, कुख्याल है, ये तमाम इस इलाके के बच्चों को खेलने के लिए एक बढ़िया प्लेग्राउंड मिलेगा, एक ट्रैक मिलेगा जहां ये बच्चे खेल सकेंगे और इनकी प्रतिभा का अपना प्रदर्शन कर सकेंगे। और यहां प्रतिभा की कमी नहीं है हमारे बच्चों के अंदर, और यहां से एक ऐसा आने वाले समय में अगर इसको सही ढंग से हम विकसित कर पाएंगे तो एक ऐसा एक स्थान है, एक ऐसा उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा कि हमारे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम अपने देश के लिए यहां से नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी पैदा कर सकें। और एक बार पुनः मैं सभी नगरी वासियों को धन्यवाद देता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ, और विशेष करके हमारे वाइस चेयरमैन साहब श्री बबलू जी,
मेरे काउंसलर यहाँ पे श्री रामकृष्ण जी, हमारी बीटा रानी जी, बिमला देवी जी, सुरेंद्र सिंह जी, जितने भी मेरे काउंसलर, नरेश कुमार जी, सोनिया देवी जी, जिन जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। आज आप देख रहे हैं नगरी में 5 करोड़ की लागत से ये जो चैनलाइजेशन का काम हो रहा है, उधर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का हमारा बस स्टैंड का काम चल रहा है। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 1 करोड़ की लागत से यहाँ पे प्लेग्राउंड बन रहा है। कितने हमारे यहाँ पे आपने देखा, कितनी हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की यहाँ पे स्कीम लागू की। ये 75 लाख का जो पुल है आपने देखा, जिसको अभी क्रॉस किया, ये हमारे माननीय पूर्व विधायक राजीव सरोटिया जी की देन है, और बहुत सारे इन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ पे काम करवाए हैं। आज भी इनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे हमें मिलता रहेगा और हम लोगों की सेवा करते रहेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे पहले तो मैं जो जिस कार्य का आज उद्घाटन किया है, नगरी अपने आप में बहुत बड़ा कस्बा है, और मैं जब 3-3.5 साल एमएलए रहा, भरपूर प्रयास किया, कोशिश की कि जो नगरी कस्बे के लोगों की जो डिमांड थी स्टेडियम की, प्ले ग्राउंड की, उस डिमांड को फुलफिल किया जाए। एक्सरसाइज चलती रही और इस कस्बे के लोगों को ये सुविधा नहीं थी, बाकी तकरीबन हर चीज उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। मैं आज इस अवसर पर नगरी म्युनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष श्री अनिल जी, उपाध्यक्ष बबलू जी, इनके तमाम सारी टीम, इस टीम को सबको मुबारकबाद देता हूं कि बहुत बड़ा कार्य, अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य, जगह ढूंढना, जगह का चयन करना और कस्बे के बीचों बीच जगह ढूंढ के लोगों को ये प्लेग्राउंड की सुविधा देना, ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है। कोई लगभग 90-95 लाख की लागत से ये स्टेडियम की शुरुआत की जाएगी, और मैं आपके माध्यम से तमाम चेयरमैन साहब को और नगरी के टाउन के रहने वाले जितने भी निवासी हैं उनको भी एक आश्वासन देता हूं कि जितनी भी राशि इस प्लेग्राउंड को डेवलप करने के लिए लगेगी, सरकार उपलब्ध जो राशि चाहिए वो सरकार उपलब्ध करवाएगी। जो भी प्रयास हमें इसको, इस प्लेग्राउंड को अच्छा प्लेग्राउंड बनाने के करने होंगे, और सब मिलजुल कर काम करेंगे। मैं पुनर आज के इस अवसर पर मैं म्युनिसिपल काउंसिल नगरी की तमाम साथियों को, तमाम टीम को, और विशेष तो नौजवानों को इनको बधाई भी देता हूं, इनका धन्यवाद भी करता हूं कि एक अच्छा कार्य किया है। जब मैं पिछली बार यहां आया था तो तब भी हमने कहा था कि बहुत जल्द आपको प्लेग्राउंड भी देंगे। ये जो पुल जो इस इधर अप्रोच रोड है, शमशान घाट भी इधर है। मेरे पास जब मैं एमएलए था तो लोग मेरे पास आए थे कि यहाँ जब बरसात का मौसम आता है तो हम शमशान घाट भी नहीं जा सकते। ये 75 लाख की लागत से ये वाला पुल बनाया था। पीछे बजू की चैनलाइजेशन का काम शुरू किया, पर अपने आप में एक स्पॉट सा बन रहा है और अच्छा बड़ा कस्बा है। पर कस्बे